डूंगरपुर, जन्म होते ही माता पिता अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाकर बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचाने के सपने सजोते हैं तथा सर्वस्व न्योछावर त्याग करके इस बाबत सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इसी क्रम के चलते डूंगरपुर जिले के विभिन्न गांवों, शहरों के बच्चे चिकित्सक बनने की तमन्ना में यूक्रेन के विभिन्न जगहों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने गए, परंतु कुछ दिनों से यूक्रेन व रूस में परस्पर तनाव होने से वहां दहशतगर्द माहौल से बच्चे भयभीत, परेशान तथा डर के मारे सहमे से दिखाई देने लगे। बच्चों के परिजनों ने भी इस डर के माहौल में भगवान व सरकार से अपने वतन में वापसी की दरकार की। विश्व पटल पर छाए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने त्वरित पहल कर यूक्रेन से दिल्ली स्पेशल विमान से लाकर दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्रियों द्वारा भावभीना स्वागत व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई। वहां से उदयपुर एयरपोर्ट लाया गया तथा वहां से उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा डूंगरपुर तक स्वयं के स्तर पर पहुंचाया गया। जिला मुख्यालय पर कलेक्टरेट में लगभग 10 बच्चों की वतन वापसी पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान की अगवानी में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन कर माल्यार्पण एवं पुष्प वर्षा की गई। माँ के बिछड़े लाल को बड़ी ही बेसब्री से चिर प्रतीक्षित माताओं ने अपने गले लगाकर खुशियों का इजहार किया। मिलन के वक्त खुशी से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती दिखाई दी। सभी ने अपनी वतन वापसी पर आप बीती करुण दास्तान बयां कर बताया कि युद्ध प्रारंभ से ही दहशत के माहौल में रहन सहन, खान पान की समस्या होने पर सभी का एक साथ सोना, रहना, खाना, आपस में हिम्मत, साहस जुटाने का परस्पर सहयोग रख वतन वापसी के प्रयास भारत और राज्य सरकार के साथ ही प्रशासन एवं परिजनों की आखिरकार मेहनत रंग लाई। कलेक्टरेट परिसर में भारत माता की जय, मोदी जिंदाबाद के गगनभेदी उद्घोषों के साथ वातावरण गुंजायमान हो गया। परिजनों द्वारा वतन वापसी पर अपने कलेजे के टुकड़ों को गले से लगाकर खुशियों के आंसू बहाकर फूल मालाओं व पुष्प वर्षा कर भावभीना स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसी बीच उपस्थित जन समुदाय ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज और मैं हूं जगदीश। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे महायुद्ध के बीच आज हमारे नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच्चों के रेस्क्यू के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं आज डूंगरपुर जिले के कुछ बच्चों का दल डूंगरपुर पहुंचने वाला है और उन्हीं बच्चों से हम बात करेंगे कि आज किन संघर्षों के बीच किस तरह से हमारी एमबीसी ने उनको मदद की और किस तरह से आज डूंगरपुर अपने परिवारजनों से मिलेंगे। मैं राजस्थान सरकार, भारत सरकार का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है इस कठिन परिस्थिति में और कठिन घड़ी में एक क्विक डिसीजन लेते हुए इस कार्य को अंजाम दिया और ये बच्चे जो 10 हमारे इधर आए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और मुझे मैं इन शब्दों में भारत सरकार और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करूँ और राजस्थान सरकार के परम सम्माननीय गहलोत साहब का और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और जितने भी मीडिया कर्मी हैं उसने दी और हमें पल पल की खबर दे करके हमारे बच्चों को यहाँ लाने तक जो सहयोग प्रदान किया। किस प्रकार की परेशानी खासकर इन 5-6 दिनों का आप लोगों को महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हुई क्योंकि जैसे ये बॉर्डर का मतलब जैसे ये बम और ये सब होने लगे तो उसके 5 दिन पहले ही हमको मतलब पैकिंग वगैरह ये वो तो उससे हम क्या काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गए क्योंकि हर चीज़ अनस्टेबल हो गई थी ना, समझ में आ रहा था मतलब सब कुछ सामान पैक हो गया था, हम अचानक से कल कभी भी निकलना हो सकता था और फिर वहाँ से 3 दिन से हम मतलब ट्रैवल करके आ रहे हैं। हम तो फिर भी सेफ है पर लीव में जो फंस गए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है ढंग से और फिर वो बंकर्स में है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, हर 5-5 मिनट में वहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है। तो किस पर डिमांड आप सरकार चाह रहे हैं? बस जो हो जितना जल्दी हो सके जितने बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको जल्दी से यहाँ पे मतलब ले आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है उन लोगों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा। 5 दिन के परेशान के बाद आप घर के लोगों के बीच में आ गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अब लग रहा है कि हाँ हम लोग सेफ है। वहाँ पर था कि थोड़ा खतरा है, जब तक हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था तो सब कोई बहुत ही टेंशन थी, हम लोग जाए तब तक कोई दिक्कत ना आए, लेकिन जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हुआ उसके बाद और फिर इंडिया आके बहुत ज़्यादा ही सेफ फील हो रहा है। करना चाहते हैं जिला प्रशासन की ओर से कि और भी बच्चे अगर वहाँ फंसे हुए हैं तो उनको कहिए, उन तक मैसेज पहुँचाइए कि वो पैनिक ना हो और वो जहाँ है वहीं रहे, वो ऐसे अनावश्यक अगर मूवमेंट करेंगे तो कोई नुकसान हो सकता है। राजस्थान सरकार ने एक लिंक डेवलप किया है, वेबसाइट डेवलप की है, उसमें हम आपसे आग्रह करेंगे कोई अगर बच्चे छूटे हुए हैं तो उस लिंक को खोलिए, उसमें उन बच्चों की डिटेल भरिए, अपने आप वहाँ तक राजस्थान सरकार तक पहुँचेगी
और दिल्ली में हमारे प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर भी अभी वीसी ले रहे हैं, जो व्यवस्था कर रही है सरकार उसके बारे में बता रहे हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है और बच्चों को वहाँ से शुरू से लेके अंत तक घर तक जाने तक का सारा खर्चा राजस्थान सरकार उठा रही है। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र स्टेट है राजस्थान जिसने अपने बच्चों की इस तरह से चिंता की। राजस्थान सरकार जिंदाबाद, गहलोत सरकार जिंदाबाद। तो मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा, और भी अगर बच्चे फंसे हुए हैं तो वो हमें बताएं। वो लिंक हमने सोशल मीडिया में भी शेयर किया है, हम हमारे मीडिया के साथियों को भी बता देंगे। तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो बच गए उनकी डिटेल डालिए ताकि उनको हम सुरक्षित ला सकें। थैंक यू।